हाय गाइस, आई नो मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, पर उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि मैं अपने पुराने घर से मूव आउट हो गया हूँ। जो आप पीछे मेरे बहुत अच्छी बुक शेल्फ देखते थे एंड मेरा लिविंग रूम देखते थे, वहाँ से मैं मूव आउट हो गया हूँ और मैं अब एक ये रेंटेड रूम में आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंडिया मूव हो रहा हूँ, तो ये इंडिया मूव होने का स्टेप वन है। अब मैं कुछ पेपर वर्क फिनिश होने का वेट कर रहा हूँ बस। जैसे ही वो पेपर वर्क फिनिश होगा, होपफुली विद इन अ मंथ और टू मैं इंडिया मूव हो जाऊँगा। इंडिया मूव होना काफ़ी स्केरी रहा है मेरे माइंड के लिए, तो उस चीज़ को शांत करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी होगी इंडिया मूव होते वक्त। मैं 10 साल से यूज टू हो गया था एक ब्रिटिश लाइफस्टाइल के, 10 साल से एक सिंपल स्लो लाइफ के यूज टू हो गया था। इंडिया मूव होना मेरे लिए मेंटली चैलेंजिंग होगा, फिजिकली चैलेंजिंग होगा, तो उस चीज में अपने आप को काम रखने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता इंडिया जाके कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल चैलेंजेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, क्योंकि फैमिली के साथ रहूंगा इतने टाइम बाद। उन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए मेरी रीडिंग लिस्ट लास्ट मंथ काफी ज्यादा क्यूरेट हो गई और मैं माइंड और स्पिरिट के बारे में बहुत ज्यादा रीड करने लगा हूं। तो उन्हीं बुक्स के बारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दीज बुक्स आर सम रियली रियली गुड बुक्स दैट आर हेल्पिंग मी अ लॉट। सो फर्स्ट मॉर्निंग रीड है मेरे लिए स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे। इस बुक को मैं रीरीड कर रहा हूं, इस बुक को मैं पहले भी रीड कर चुका हूं, पर ये बुक इतनी पावरफुल है बिकॉज इस बुक में छोटे छोटे स्टोरीज के थ्रू बताया गया है कि कैसे आप अपने माइंड को स्टिल कर सकते हो, कैसे माइंड की स्टिलनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक को ऑथर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी। तो माइंड एंड स्पिरिट बहुत पावरफुल पार्ट्स है। अभी मैं बॉडी रीड कर रहा हूं, तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे माइंड और स्पिरिट को काम करने के लिए आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो। फेथ इन गॉड बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई गई है, अगर आपके अंदर फेथ नहीं है तो स्टिलनेस नहीं आएगी। सिमिलरली ऑनेस्टी, डूइंग द राइट थिंग्स, इन चीजों पे, एथिक्स पे बार बार फोकस किया गया है कि जब तक आप एथिकल काम कर रहे हो, जब तक आप हमेशा स्टिल फील करोगे, जैसे ही आप कोई चीटिंग वाला काम कर रहे हो, ग्रीड वाला काम कर रहे हो, आपके अंदर हमेशा हलचल रहेगी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, ये चीज चली नहीं चली। पर एज लॉन्ग एज आप एथिकल काम कर रहे हो, आपको पता है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप हमेशा स्टिल रहोगे। और उसमें फेथ, एथिक्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड उसकी वजह से मैंने काफी सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी पढ़ने शुरू किए इस मंथ, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। रिलीजियस बुक्स पे जाने से पहले एक साइकोलॉजी बुक जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी इस टाइम पे, वो है द मास्टर ऑफ चेंज बाय ब्रैड स्टलबर्ग। इस बुक में भी ऑथर आपको अनसर्टेनिटी से डील करने में हेल्प कर रहा है। इस बुक में ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया है, वो है फ्लूइड आइडेंटिटी। जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी एक प्रोफेशन के साथ जोड़ लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी इंजीनियर के साथ जोड़ ली कि अब मैं इंजीनियर हूं और मैं सबसे अच्छा इंजीनियर बनूंगा और मैंने उस इंजीनियरिंग को इतना सीरियस ले लिया, तो उस आइडेंटिटी के सक्सेस और फेलियर के साथ ही मेरी लाइफ के इमोशंस अटैच हो जाएंगे। एंड उसकी वजह से क्या होगा, अगर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट फेल हुआ तो मैं अपनी बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी सैड फील करूंगा। वैसे अगर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, मैं बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी एरोगेंट फील करूंगा। इसी चीज को ऑथर नेविगेट करना सिखा रहे हैं कि कैसे एक फ्लूइड आइडेंटिटी रखो, कि कैसे हाँ तुम इंजीनियर हो पर कल को तुम चाहो तो एक टीचर भी बन सकते हो। जैसे कि अभी मैं एक टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ बुक्स को पढ़ के आपको सिखाने की, तो कल को आप टीचर भी बन सकते हो। पर अगेन उस टीचर की आइडेंटिटी को सीरियस मत लेना, क्योंकि कल को हो सकता है वो टीचर की आइडेंटिटी छोड़कर टाइम के मुताबिक आपको कोई और आइडेंटिटी लेनी पड़े। जैसे ही आप किसी भी आइडेंटिटी को सीरियसली ले लेते हो, वो आइडेंटिटी आपके सफरिंग का रीजन बन जाती है, उस आइडेंटिटी में आप चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने ऊपर एक यूट्यूबर का टैग लगा लेता तो शायद मैं पॉडकास्ट शुरू नहीं कर पाता, इंस्टाग्राम शुरू नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे ऊपर एक यूट्यूबर एक आइडेंटिटी हो जाती है। सिमिलरली मैंने अपने आपको एज अ टीचर देखा जो अलग अलग तरीकों से सिखा सकता है। इसमें कोर वैल्यू के ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे अपने कोर वैल्यू से स्टिक करो, उस कोर वैल्यू के थ्रू अनसर्टेनिटी को नेविगेट करो। जैसे टीचिंग मेरी एक कोर वैल्यू है, टीचर एक आइडेंटिटी है, पर टीचिंग एक कोर वैल्यू है। अब टीचिंग में मैं कल को कोडिंग भी सिखा सकता हूं, अभी मैं फिलोसफी पढ़ा रहा हूं, कल को हो सकता है मैथमेटिक्स पढ़ाऊं। टीचिंग एक कोर वैल्यू के अराउंड पे मैं इस दुनिया में नेविगेट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी सब लोग सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा फेड अप हो रखे हैं, उनके मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इस वक्त नीड ऑफ द वर्ल्ड है कि कोई उन्हें फिलोसफी और विजडम सिखाए। तो अभी मैं अपनी टीचिंग की कोर वैल्यू यूज करके वो चीज सिखा रहा हूँ। कल को हो सकता है सब इस चीज से निकल जाए और सबको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बनना है, सारे लोग को है कि अब हमारा टेंशन हमारे पास आगे में टेक्निकली स्ट्रांग बनना है, तो मैं टीचिंग की कोर वैल्यू यूज करके मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। तो कोर वैल्यू एक एंकर का काम करती है, पर आइडेंटिटी आपको चेंज होने से रोकती है। अगर मैंने अपने ऊपर एक टैग लगा लिया होता यूट्यूबर का या फिर फिलोसफी टीचर का, तो फ्यूचर में चेंजिंग टाइम्स के साथ मैं चेंज नहीं हो पाता। वही अपनी ईगो को एक आइडेंटिटी के साथ अटैच करना हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, और इसी चीज को ऑथर बहुत ब्यूटीफुली समझा रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में रियलाइज कर पाओगे कि अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए तो वो एंट्रेंस एग्जाम आपकी आइडेंटिटी नहीं थी, आप टाइम के मुताबिक कोई भी आइडेंटिटी ले सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ ह्यूमन माइंड। उसी कॉन्सेप्ट का लाइव एग्जाम्पल मुझे इस बायोग्राफी में भी पढ़ने को मिल रहा है जो मैं
पैरेलल में पढ़ रहा हूँ अलेक्जेंडर हैमिल्टन की। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका एंड उस टाइम पे अपने टाइम पे बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे जिनका पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट तक जिनकी सुनते थे। पर एक टाइम ऐसा आया उनकी लाइफ में जब लोगों ने उनकी सुननी बंद कर दी और वो एज के साथ साथ ओल्ड होने लग गए। पर उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वो उस पॉलिटिशियन की आइडेंटिटी से इतना ज़्यादा अटैच हो गए थे कि उन्होंने उस चीज़ को अपनी ईगो पर ले लिया कि बाकी लोग मुझसे मेरी क्यों नहीं सुन रहे, मेरी वजह से पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रहा, पार्लियामेंट उस डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। और उसकी वजह से उन्होंने मेंटली कितना ज़्यादा सफर किया। तो इसमें राइज एंड फॉल दोनों बताया अलेक्जेंडर हैमिल्टन का। पर उस पिछली बुक के आइडेंटिटी क्राइसिस को मैं इस बुक में देख सकता हूँ कि कैसे एज के साथ ज़्यादातर लोग अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो उस आइडेंटिटी को चेंज करने का सोच भी नहीं पाते एंड इस वजह से वो नए टाइम्स में बहुत पीछे फील करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स जो सही से आज तक मोबाइल फोन नहीं चलाना सीख पाए, वो इसलिए नहीं चलाना सीख पाए क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस पुरानी आइडेंटिटी से अटैच किया हुआ है जहाँ पे मोबाइल फोन नहीं होते थे, न्यूज़पेपर होते थे। तो उन्हें लगता है कि हम न्यूज़पेपर ही पढ़ सकते हैं, मोबाइल फोन हमारे उसका नहीं है, हमारे टाइम का नहीं है। उन्होंने अपने उस 20s और 30s को इतना सीरियसली अपनी आइडेंटिटी को उससे अटैच कर रखा है कि उन्होंने अपने आप को फ्लूइड वे में नहीं देखा कि हम ह्यूमन, हमारा माइंड न्यूरोप्लास्टिक है, हम कुछ भी सीख सकते हैं एट एनी पॉइंट इन लाइफ। मैं कोई भी नई आइडेंटिटी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मैं चाहूँ तो भी गार्डनर बन सकता हूँ, मैं चाहूँ तो भी टीचर बन सकता हूँ। जब तक ये फ्लूइडिटी रहेगी माइंड में, हम कभी भी डिप्रेस फील नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास हमेशा ऑप्शन है अपनी लाइफ को चेंज करने का, किसी भी एक आइडेंटिटी को लेके उस आइडेंटिटी को जीकर। बस उस आइडेंटिटी को सीरियसली नहीं लेना जो कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अपनी बायोग्राफी में करी। तो अभी मैं इसके डाउनफॉल वाले पार्ट पे हूँ, जब उनका डाउनफॉल शुरू होता है। तो उस डाउनफॉल में दिख रहा है कि कैसे अपनी आइडेंटिटी को, पॉलिटिशियन वाली आइडेंटिटी को सीरियसली लेने की वजह से वो चेंज को फाइट कर रहे थे। दिख रहा था कि अब नई जनरेशन पॉलिटिक्स में आ रही है, उनके नए थॉट्स आ रहे हैं, पर वो चाहते नहीं थे कि वो नई जनरेशन, नए थॉट डाइवर्ट हो उनके आइडियाज से। जो उनके आइडियाज थे वही चलते रहे, जिस तरीके से वो सोचते थे वही वो लोग सोचे एंड उसकी वजह से उन्हें कितना ज्यादा चीजें अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ी मेंटली, इमोशनली, पब्लिकली। सो वेरी इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज, एज आई सेड कि बायोग्राफीज आपको लाइफ जर्नी पे लेकर जाती है और जो सेल्फ हेल्प बुक्स में हम पढ़ते हैं उन चीजों को एक्चुअली इंप्लीमेंट करना सिखाती है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन की बहुत अच्छी बातें भी है जो उन्होंने अपने यूथ में करी थी, जैसे कि रीडिंग और राइटिंग उनके सबसे बड़े वेपन्स थे। जब भी उन्हें लगता था कोई पॉलिटिकल इशू है कंट्री में जिसको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि यूथ भटक रहा है या फिर उनके एज के लोग भटक रहे हैं, तो वो उन पे एसेज लिखते थे इतने बड़े बड़े। पहले वो उस इशू के बारे में अच्छे से पढ़ते थे और फिर उन इशूज के ऊपर एसेज लिखते थे बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर में प्रिंट करते थे, जिसकी वजह से वो अपने एज ग्रुप के लोगों को डायरेक्शन देते थे। तो ये एक उनकी बहुत अच्छी बात थी कि कैसे उन्होंने सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के थ्रू पूरी अमेरिकन पॉलिटिक्स को शेप दिया। सो अब आते हैं रिलीजियस फिलोसफीज की तरफ। तो रिलीजियस फिलोसफी, एज आई सेड, स्टिलनेस इज द की बुक में जैसे बताया गया है कि माइंड को स्टिल रखने के लिए फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब आप अनसर्टेन पोजिशन में जा रहे हो, अनसर्टेनिटी में जा रहे हो। उस टाइम पे जाते हुए आपको नहीं पता आपके साथ क्या होगा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। तो उस टाइम पे फेथ होना बहुत जरूरी है कि जो होगा अच्छा होगा एंड देयर इज अ यूनिवर्सल पावर अप देयर जो आपका ध्यान रख रही है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम इस चीज के पीछे साइंस पे जाए। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एप्पल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, साइंस ने प्रूव किया हुआ है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो हम एप्पल को खा लेते हैं। हम इसके पीछे के उस पे नहीं जाते कि ये सीड एप्पल में कैसे बना। ऐसे ही साइंस ने भी प्रूव किया है जो फेथफुल लोग होते हैं दे आर मेंटली स्ट्रॉन्गर, इमोशनली स्ट्रॉन्गर। हाँ, वो थोड़े रेडिकल हो जाते हैं सम पॉइंट पे, पर दे आर मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्गर। तो अगर साइंस प्रूव कर चुका है कि फेथफुल लोग मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने फेथ की वजह से, स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड की वजह से, तो क्यों ना हम उसको भी एप्पल समझ के खा ले, ना कि उसके पीछे सोचे कि ये सीड एप्पल में कैसे कन्वर्ट हुआ। अगर साइंस ने प्रूव किया एप्पल हेल्दी, हम खा लेते हैं बिना सोचे समझे। तो जैसे कि आप सबको पता है मैंने भगवद गीता पढ़ी हुई है, महाभारत पढ़ी हुई है, तो मैं और फेथ्स को एक्सप्लोर करना चाहता था। तो मैंने क्रिश्चियनिटी बेस्ड टीवी सीरीज देखनी शुरू करी जीसस क्राइस्ट के ऊपर, द चोजन, बहुत अच्छी टीवी सीरीज थी। एंड उसी के साथ पैरेलल में मैंने कुरान भी उठाई एंड मैंने कुरान को भी रीड करना शुरू किया। तो अगेन मेरे दिमाग में बार बार ये चीज आई ये बुक पढ़ते हुए और वो टीवी सीरीज देखते हुए, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को एक्सप्लोर करते हुए, कि फेथ कितना स्ट्रांग पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर हमारे एक हायर पावर पे फेथ है तो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन, अनसर्टेन से अनसर्टेन सिचुएशन को खुशी खुशी निकल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई है जो हमारा ध्यान रख रहा है, कोई है जिसके लिए हम ये चीज कर रहे हैं। महाभारत में भी मैंने ये चीज देखी थी, जब अर्जुन को एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि हो सकता है अर्जुन को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़े, वो खुशी खुशी कर रहा था उस लाइफ को सैक्रिफाइस क्योंकि उसे पता था इसके पीछे भी कोई बड़ा रीजन होगा गॉड का, उसे पता था इसके पीछे कोई बड़ा रीजन होगा कृष्ण जी का कि उसे उन्हें उस लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। बट अगेन इट जस्ट शोज यू कि कैसे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे आप लाइफ तक सैक्रिफाइस करने वाले हो आप वो भी खुशी खुशी कर देते हो बिकॉज ऑफ योर फेथ। पर ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ के मुझे एक चीज और रियलाइज हुई। फॉर एग्जाम्पल कुरान पढ़ के मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि बहुत सारे जो मुस्लिम्स है उन्होंने कुरान डीपली पढ़ी नहीं है, डीपली समझी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें मर्सी के बारे में बहुत ज्यादा
तरह सिखाया गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई तुम पे अटैक कर रहा है तो तुम वापस अटैक करो, पर उन्होंने जैसे ही अपने हथियार रख दिए तुम भी हथियार रख दो क्योंकि गॉड मर्सीफुल है, वो किसी भी इनोसेंट को नहीं मारते। ऐसे ही काफिर के ऊपर भी बताया गया है कि अगर काफिर मतलब नॉन बिलीवर्स तुम्हें प्रे करने से रोक रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज से रोक रहे हैं, तो उनके साथ लड़ाई करो वरना गॉड उन्हें देख लेंगे, उन्हें गॉड पे छोड़ दो। तो अगेन इसमें यही बताया गया कि कैसे इनोसेंट्स को बिल्कुल भी नहीं मारना। इसमें स्ट्रॉन्ग एथिकल चीजें बताई गई है कि कैसे ऑर्फनेजेस का ध्यान रखो, डोनेशन करो और गॉड पे फुल फेथ रखकर नेक्स्ट एक्शन लो, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यही चीज मेरे को लगता है कि काफी सारे रिलीजन में चीजें मिस इंटरप्रेट करी हुई होती है लोगों के लिए, स्पेशली जब लोग खुद एफर्ट्स नहीं डालते किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर को पढ़ने का और समझने का। ऐसे ही बहुत सारे मुस्लिम है, जैसे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स रिसेंटली यूके में मैंने उनसे कुरान के बारे में पूछा, उन्होंने खुद कुरान नहीं पढ़ी हुई पर वो कुरान में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुमने खुद नहीं पढ़ी तो स्ट्रांगली बिलीव कैसे कर सकते हो, खुद नहीं समझा तो उस चीज पे कैसे स्ट्रांगली बिलीव कर सकते हो, मतलब कि किसी और ने कोई और चीजें तुम्हारे दिमाग में बोली है इस वजह से तुम उस पर स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हो रादर देन खुद पढ़ के समझ के। अगर हम कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर खुद से पढ़कर समझेंगे वो रिलीजियस स्क्रिप्चर इतना डीप इंपैक्ट करेगा हमारे माइंड पे, वो एक्चुअली हमें और ज्यादा टॉलरेंट बनाएगा एक दूसरे के लिए रादर देन हेट्रेड। अब ऐसे ही हिंदूज में भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि ज्यादातर हिंदूज ने ना गीता पढ़ी है, ना कुरान पढ़ी है, ना उपनिषद पढ़ी है, पर सब अपने आप को एक कट्टर हिंदू मानते हैं। सबको ये लगता है कि हम सेल्फ डिफेंस में औरों से लड़ रहे हैं, इस वजह से हम लड़ रहे हैं, पर किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि भगवत गीता में भी कृष्ण जी ने कहा था कि वायलेंस शुड बी योर लास्ट ऑप्शन, उससे पहले कितनी बारी दुर्योधन को मर्सी का ऑप्शन दिया गया था। सिमिलरली राम जी ने भी रावण को कितनी बारी मर्सी का ऑप्शन दिया था, और वो लास्ट ऑप्शन भी तब था एक बड़े पर्पस के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, विच मीन राइटियसनेस की स्थापना के लिए, ना कि पांडवों को लैंड दुलाने के लिए। उस बड़े पर्पस के लिए लड़ाई हुई थी, ना कि पांडवों के लैंड के लिए। एक सेल्फिश रीजन से महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, महाभारत का युद्ध एक बड़े पर्पस के लिए हुआ था। जो लोग पीछे समझने की कोशिश ही नहीं करते उन्हें ये लगता है कि देखो वहां पर भी तो लड़ाई करनी पड़ी, रावण से भी तो लड़ाई करनी पड़ी, वो पीछे की फॉरगिवनेस नहीं देखते कि कितनी बार फॉरगिव करने की कोशिश करी गई, हमने अपनी लाइफ में औरों को कितनी बार फॉरगिव किया है। हम तो ऐसे लोगों से नफरत कर बैठे अपनी लाइफ में जिन्होंने हमारा कुछ बुरा किया भी नहीं, और जिन्होंने अगर किया भी होगा तो एक बार ही बुरा किया होगा, हमने कभी उन्हें माफ करने का भी नहीं सोचा, और उससे पहले ही हमें लगा कि इनसे लड़कर ही हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज मुस्लिम्स में भी यही है कि ज्यादातर लोगों ने कुरान को डीपली पढ़कर समझा नहीं है और उन्हें गलत वे में चीजें इंटरप्रेट करके बताई गई है। अगेन यही चीज चोजन टीवी सीरीज जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ के ऊपर है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज है, वो भी फेथ को और डीप करती है, वो और कैसे मर्सी के ऊपर बताती है और कैसे फेथफुल एक्शन के ऊपर डीपली जाती है। और ये चीज इस टाइम पे मुझे बहुत हेल्प कर रही है क्योंकि मैं अपनी लाइफ के एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से जा रहा हूँ, एक स्टेबल सिचुएशन से अनस्टेबल सिचुएशन पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे फेथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड ये सारी बुक्स मेरा इस वक्त इस सिचुएशन में अपने आप को काम रखने के लिए, अपने माइंड को शांत रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। एंड आई होप आप भी ओपन माइंड के साथ इन सारी बुक्स को पढ़ोगे, इन बुक्स को डीपली समझने की कोशिश करोगे रादर देन ऊपर ऊपर से अपना ओपिनियन बनाकर, बिकॉज दीज बुक्स कैन रियली हेल्प यू एंड योर माइंड टू थिंक डिफरेंटली एंड टू स्टे काम इन डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन सिचुएशन। सो आई होप यू विल एंजॉय रीडिंग दोज बुक्स। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी रीडिंग।